एक बार दो दोस्त एक घने जंगल से जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही एक आदमी जल्दी से पेड़ पर चढ़कर छुप गया, लेकिन दूसरा आदमी उतनी फुर्ती न दिखा पाया और उसका सामना भालू से हो गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरे होने का बहाना करते हुए सांस रोककर जमीन पर लेट गया। भालू उस आदमी के पास आया और उसे अपने नथनों से सूंघने लगा। सूंघते हुए भालू अब उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया, लेकिन आदमी बिना हिले डुले वैसे ही सांस रोककर लेटा रहा। और फिर एक चमत्कार हुआ, भालू उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। जब भालू वहां से दूर चला गया, तब पेड़ पर बैठा आदमी नीचे उतरा और हैरानी से दूसरे से बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? दोस्त ने जवाब दिया, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करना जो खतरे के समय तुम्हें छोड़कर भाग जाए। ये सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया और उसने तुरंत अपने दोस्त से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि वो तो सुरक्षित था, लेकिन नीचे भालू उसके दोस्त की जान ले सकता था। सच्चे दोस्तों को मुश्किल के वक्त हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए।